खबर मगरलोड नवा गांव से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जहां एक ओर कोरोना महामारी के चलते देश की जनता की आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से खराब हो चुकी, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण आम लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। इस वक्त में जब लोगों को रोजगार समाप्त हो गए, छोटे व्यवसायी के व्यवसाय समाप्त होने लगे, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि करना गरीब जनता को प्रताड़ित करके के समान है, जिसका विरोध में आज ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष तोशन साहू, जिला पंचायत सदस्य कुसुम लता, तोशन साहू, डोशन सिन्हा, झुमुक साहू, बसंत साहू, टोमन साहू, नेहरू साहू, संतोष साहू, टेकराम साहू, पूनम साहू, विष्णु साहू, गिरधर साहू, दिलीप साहू, सुरेश साहू, नरेंद्र चंदेल, गायत्री शरण साहू, लोकेश साहू, राजेश साहू, गणेश साहू के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। जी महोदय, यहाँ पे पर्चे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे महोदय जी? हम लोग यहाँ एक दिवसीय प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की महंगाई का आसमान छू रहा है, पूरा बेलगाम हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई में लगाम लगाने में पूरा फेल। जी तो मतलब कितना बढ़ चुका है महोदय जी दाम, ये बता देंगे महोदय जी एक बार? अभी इस साल से ही 15 से 17 रुपया बढ़ गया है। जी तो क्या मांग करते हैं आप शासन से? हम लोग चाहते हैं कि 100 के पार होके तो जाते ही जा रहा है, तो कम से कम उसमें लगाम लगाया जाए, और जितना कम से कम हो सके किसान को, हम मजदूर को इसमें राहत मिले, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का महंगाई सिर्फ एक व्यापार तक सीमित नहीं है, एक आम आदमी, एक किसान, सभी इससे भी निर्भर है। पेट्रोल का रेट बढ़ने पे कृषि कार्य में और अन्य सभी में महंगाई की मार पड़ती है। जी महोदय जी, धन्यवाद। साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मगर रोड, ग्राम भेंड्री। जी महोदय जी, यहाँ पे किस लिए प्रदर्शन हो रहा है महोदय जी बताएंगे? यहाँ पेट्रोल और डीजल की दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गया है, उसके कारण एक दूसरी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सरकार को, जो सरकार तक संदेश पहुँच सके। जी तो कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, इसके बारे में बताएंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले जो कांग्रेस की UPA सरकार थी उनके कार्यकाल से लेकर आज तक की जो महंगाई पेट्रोल डीजल में कम से कम 40% की वृद्धि हो चुकी है। जी। जिसमें आम गरीब, किसान, मजदूर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, किसानी करना बहुत दुर्लभ हो गया है। ठीक है। लेबर मजदूर जो अन्य जगह काम में जाते हैं, अगर वो 200 रुपये कमाता है तो 60-70 रुपये तो डीजल पेट्रोल में उसका खर्चा हो जाता है, वो पेट कैसे चलाएगा? और
इसी पेट्रोल डीजल के नाम लेकर के गैस सिलेंडर के नाम से ये जो सरकार सत्ता में वापस आई है, जो वादा तो किया है लेकिन आने के बाद अपने वादा के विपरीत और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, जिससे लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है, आम जनता परेशान है। और तो और तेल के नाम से किचन की जो गृहिणियाँ हैं, बहनें हैं, जो खाद्य तेल है उसका भी बेहद आशा महंगाई हो गया है, उसमें किचन चलाना बहनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है जी। तो इसमें सरकार ध्यान दें और इसमें रोक लगाए ताकि आम आदमी का जीना जो है आसान हो सके। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं कि आम लोगों को राहत मिले, अमन चैन से जिंदगी वो जी सके, महंगाई में कमी हो ताकि जीवन जीने का एक थोड़ा सा तरीका आसान हो सके जी। मैम यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे मैम। आज पेट्रोल डीजल की महंगाई और उसके साथ साथ पूरे ट्रैवलिंग पूरा हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, ट्रैवलिंग खर्च बढ़ रहा है तो पेट्रोल की वजह से जी। पेट्रोल डीजल के सब ये खेतों में किसानों को सिंचाई उड़ाई करने के लिए भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उससे अभी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, मजदूर वगैरह के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं पेट्रोल के दाम की वजह से जी। तो कितना मतलब बढ़ चुका है मैम दाम, ये बतलाएंगे मैम इसके? अभी दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी। तो कितनी परेशानियां हो रही होंगी लोगों को इनके बारे में? लोगों को अभी अपने घर में सब्जी बनाने के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए गैस का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से वो लोग परेशान होते हैं चूल्हा जलाने के लिए। सब्जी में देखा जाए आलू प्याज का रेट इतना बढ़ रहा है। तो क्या मांग करते हैं मैम? जैसे पहले चलता था, हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब ठीक में। खबर भारत वर्ष के लिए मगरलोड नवागांव छत्तीसगढ़ से नीलाभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।